हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं ब्लॉग आफ्टरनून से शुरू की। आज मैं बुटीक ठीक की हूँ, मैं आप लोग को दिखाऊंगी अभी बुटीक और थोड़ा सा फिनिशिंग टच करने जा रही हूँ। तो आज फिर मैं सोया चाप बनाने जा रही हूँ। फ्रोज़न आता है तो इसको मैं बॉयल कर रही हूँ। अभी बॉयल करके उसके बाद वही सोया चाप बनाऊंगी। सिंपल आज बनाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा मसाला ड्रेक नहीं, सिंपल बनाऊंगी और उसका मसाले दिखाऊंगी मैं। चाय उबल रहा है इन लोग का। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आप लोग को कि मूसक महाराज जाली लगाने के बाद भी परेशान किए हुए थे, तो ये उड़ के आते थे, यहाँ भी जाली लगाना पड़ा। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा सा जाली लगाना पड़ा, ये जाली लगाना पड़ा यहाँ पे। ये तो जाली लगा ही हुआ है लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो सोया चाप में बेसिक मसाला, ये 2 स्पून नमक, ये मिर्ची पाउडर हो गया 1.5 मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और ये सोया चाप मसाला है, और ये हल्दी, और ये लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये सोया चाप मैं फ्राई करके रखी हूँ। ये टमाटर हुआ, इतना टमाटर। ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी वाली बनानी है मुझे। और ये प्याज, करीब 1 किलो सोया चाप है तो 1/2 kg प्याज। तो ये मैं अब फ्राई करने जा रही हूँ। जीरा का तड़का डालूँगी, पहले तो जीरा का तड़का डालूँगी। प्याज को भून के फिर पीस देंगे, सब मसाले ये सब भून के, जो सिंपल ग्रेवी बनाते हैं पनीर का या किसी भी चीज़ का, तो उसको बना के उसी तरह बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। तेल गरम कर लिए हैं और ये चीज़ ग्राइंड कर लिए मसाले सब, और इसमें तेल गरम हो गया है। अब इसको भूनेंगे अच्छा से, फिर ये देखिए ये तैयार हो गया, सब्जी तैयार हो गई एकदम। और ये इसका कलर है। A few moments later. देखिए, आज आप लोगों को दिखलाते हैं, आज मुहूर्त निकला है। कल परसों जो पंडित जी के यहाँ गए थे तो पंडित जी ने शायद मुहूर्त देख करके बताया अच्छा? है कि आज आप अपना बुटीक ठीक कीजिएगा, तो वही मुहूर्त पंडित जी का मानना है ना। हाँ। तो देखिए, अब इतना हैवी अभी सामान सब मेरे से तो उठता नहीं, इन लोगों को बैठने से फुर्सत नहीं, तो क्या करें आज सबको मैं। मैडम ये बात मत बोलिए कि बैठने से फुर्सत नहीं। ये आप कैसे आप बोल रही हैं, ये तो आप झूठा आरोप लगा रही हैं एकदम। नहीं, ये सरेआम का आरोप मत लगाइए। परसों आप पंडित जी के यहाँ गई थी यही लेने के लिए, मुहूर्त निकलवाने के लिए। हाँ, और एक्चुअल में क्या हुआ है ना कि आज बुटीक आज काम आ गया है हमें, तो काम करना है, ब्लाउज ये सब आ गया है, कुछ डिजाइनिंग के लिए आ गया है, तो मुझे टेबल सेट इसलिए मैं थकावट महसूस हो रही थी, मैं सोने जा रहा था, तो जबरदस्ती डंडे मार करके मुझे जगा करके इधर ले आई हैं। इसलिए मैं सोची कि बोलेंगे कि एक कप चाय दे दो, रुको ना। हाँ, ऐसा नहीं बोलते हैं। अच्छा चलो, ऐसा नहीं बोलते हैं तो कैसे बोलोगी, रुको। हाँ तो वैसे तो नहीं बोलती, रुको प्लीज। लाए हैं गमले ये सब लगाने के लिए। अच्छा, मुझे लगा कि मुझे बांधने के लिए निकाल रही है। जब ठीक करेंगे पूरा तब होगा। और आज क्या क्या की? अच्छा, इधर मशीन लगाई हो ले आ करके। हाँ, अभी इसको सेट करना बाकी है। सिलाई मशीन वहाँ से उठा करके इधर ले आई। हाँ। और ये तुम्हारा क्या कहते हैं पिको वाली मशीन उधर गई।
पीको का क्या कहते हैं? इंटरलॉक की मशीन। पीको की मशीन तो अभी आई नहीं है। इंटरलॉक की। अच्छा। एक्चुअल में आज काम आ गया है डिजाइनिंग का, कुछ स्केच करनी है गाउन का। हाँ। और साड़ी का। अच्छा। लगन का टाइम आ गया है तो, और ब्लाउज आया है तो बनाना है जो हमारे पुराने कस्टमर है। और मेन चीज तो मैं डिजाइन बनाती हूँ, डिजाइन बनाने के लिए मुझे काम चाहिए, तो काफी बिजी रहते थे। तो अब जाके मैं बोले कि नहीं, अब अपना काम शुरू करें, बहुत हो गया घूमना, बहुत हो गया सब, ये अपना अब काम करना है। अच्छा जी। तो पहले काम फिर आराम। वो तो ठीक है, लेकिन अब एक कप चाय कौन पिलाएगा? कभी तो पिला दिया करो, मतलब उल्टा चोर को तो वाल को डांटे। मैं अगर चाय मांगू तो मुझे पिला दो। पिला दो यार, रहते तुम चाय पिलाती हो, तुम बनाती हो, अच्छा बनाती हो। लंबू जी ये लगाना वहाँ लाओ जी, टिंगू जी इसमें। लंबू जी, लंबू जी बोलो जी, टिंगू जी। हाँ हाँ, उसको दबा दो। लंबू जी, लंबू जी, ये लो टिंगू जी, टांग दिया। मेरे रस्ते में काम टांग न अड़ाना, मेरे काम में टांग न अड़ाना। मुझे अब बहुत काम करना है, चाय थोड़ा तो बनाना। देखो आज मैं पहले बोल दी, इसलिए चाय आप बनाओगे कल। लेकिन मजा आ गया पान का के। मेरे पता नहीं वोट मेरे लाल हुए कि नहीं, मानते नहीं है इसीलिए वोट लाल नहीं हुए। लेकिन नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खूब एंजॉय किए। तुमको जो समझना तो, है वो मानते नहीं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मशीन मेरा ठीक कर दो। चाय वाला, गरम चाय, पटना के मशहूर संजय सिन्हा का लेमन चाय। आइयो आइयो, तुम्हें ले लिए जे चाय। चाय का पैसा दिया नको। ओके। हाँ, कब से मेरे से पैसे मांगने लगे? अरे हम तो पटना के मशहूर संजय सिन्हा टी स्टॉल का फेमस सेलर। चीयर्स। तो आज चलते हैं, थोड़ी सी सिलाई करूं, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं शगुन के कपड़ों से। ये ले आई थी मैं गाउन, इसमें बाजू लगा रही हूँ। लग गया? हाँ लग गया बाजू। ये हो गया। किसका है ये? मेरा है। तुम्हारा? शगुन का है। तो हो गया शुरुआत आज से बुटीक का काम। और ये हो गया, ये पैकेट में ही मैं रखती हूँ सब, यहाँ जो है ये पैकेट में रखती हूँ क्योंकि निकाल के दिखाने में अच्छा रहता है। और यहाँ तो अब काम उतना नहीं करेंगे, मैं बताई थी ये सब सब पूरा है। अब थक जाती हूँ। और दूसरी चीज़ कि बच्चे लोग मना करते हैं कि अब कितना काम करोगे, अभी आप लोग सुन नहीं लिए कि अब छोड़ दो, तो मैं अपना करूँगी। और कहते हैं ना कि रखने को जगह नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, वही वाला हाल है। मंथ में तो एक तो चाहिए ही चाहिए, तो उसका अल्ट्रेशन चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, तो वो करते हैं और रखेंगे, देखेंगे अपना जब आगे होगा तो कारीगर रख के करेंगे, करवाएँगे काम, लेकिन करेंगे तो, बैठेंगे तो नहीं, मैं बैठ नहीं सकती। क्या हो रहा है सैडो भैया, क्या कर रहा है? देख लीजिए, देखिए ये, आप लोग बोलते हो कि इसे चॉकलेट ना दो, फ्रिज खुलते इसे चॉकलेट चाहिए। मिलेगा दे दिए। हाँ क्यों दिए? मांग रही है तो दूंगी। नहीं फिर अब डांट सुनोगे तुम। अरे कोई बात नहीं, देख लो, देखो देखो देखो। मेरी नानी कहा करती थी हाँ
खा पी के मरो। देखिए 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 देख ली चट दो मिनट में। इसी के साथ ये ब्लॉग को अंत करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से कल कल। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब और कमेंट कमेंट कीजिएगा। देखिए मैं मना कर रही थी खिलाने के लिए लेकिन वो मानती नहीं है। फ्रिज खुलते वो बचपन से खाती आई है ना, फ्रिज खुलते एकदम चाहिए इसको। समझ जाती है कि अपर का खुला है यानी कि चॉकलेट मिलेगा। तो फिर चलिए फिर तो गुड नाइट बाय बाय। सबको अपना खैरियत रखना, ख्याल रखना।